सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदौलेकर, इनका प्रवचन 25 जून। सदाचरण ही परमार्थ की नींव है। श्री रामचंद्र की प्राप्ति सहजता से हो, इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो साधन बताए हैं उनमें उत्तमोत्तम ग्रंथों का वाचन एक है। लेकिन किसी भी ग्रंथ या पोथी का वाचन केवल कुछ पढ़ना है इस हेतु से ना करें। जब तक पोथी या ग्रंथ का गुह्य अर्थ नहीं समझता, तब तक सच्चे अर्थ में पोथी का वाचन नहीं होगा। उसी प्रकार जितना उसका अर्थ समझेगा उतना कृति में उसे उतारना चाहिए। अभी हम जो नहीं करते हैं वो करना पहले शुरू करें। ढेर पुस्तकें पढ़ते रहें और तदनुसार आचरण नहीं किया तो क्या लाभ। हमें 4 मील का रास्ता चलना है तो पूरा का पूरा रास्ता हमें एक साथ दिखाई दे, ऐसा कहने से क्या होगा। 1 मील रास्ता चलने पर आगे का रास्ता दिखाई देगा। जैसे जैसे रास्ता तय करेंगे वैसे वैसे और आगे का रास्ता दिखाई देगा। परमार्थ में भी ऐसा ही है। यदि छोटा लड़का हठ करेगा कि मुझे पिताजी की तरह मूछे चाहिए तो कैसे होगा। उसी प्रकार यदि कोई कहे कि आज ही मुझे भगवान का दर्शन हो तो कैसे संभव है। साधना करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, तभी सब कुछ होगा। भोजन करना शुरू करते हैं तो पेट भरता ही है। सचमुच परमार्थ की राह बिल्कुल सीधी है। हाँ, गृहस्थी की राह जरूर पहाड़ी कंकरों कांटों से भरी है। होना ये चाहिए कि हमारी गृहस्थी परमार्थ की सुविधा के लिए हो, लेकिन इसके विपरीत हम अपना परमार्थ ही असल में अपनी गृहस्थी की सुविधा के लिए करते हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। खेत को बाढ़ की जरूरत है, वरना चौपाए भीतर घुसकर खेत बर्बाद कर देंगे। ये हमें समझना चाहिए कि बाढ़ ही यदि बेशुमार बढ़ गई तो उससे खेत का नुकसान होगा। जिसने व्यवहार तर्क से किया उसे परमार्थ सध जाएगा। परमार्थ चीनी के समान है। हमने चीनी का करेला बनाया तो भी वो खाने में तो मीठा ही होगा। उसी प्रकार गृहस्थी में परमार्थ किया तो भी उसका मधुर फल मिलता ही है। परमार्थ हमारे लिए ही होता है, अतः वो हमारे लिए संभव है या नहीं इसका जायजा लेना चाहिए। और यदि परमार्थ हमारे लिए संभव लगता हो तो उसे जरूर करो। भोजन करने के लिए जैसे मुंह की आवश्यकता है, वैसे ही परमार्थ के लिए सदाचरण जरूरी है। सदाचरण परमार्थ की नींव है। नींव कोई घर नहीं है, लेकिन नींव के बिना घर नहीं बन पाएगा, ये भी सत्य है। हम अपने बेटे को जैसे दुलारते हैं वैसे ही परमार्थ करें, और दूसरे के बेटे को जैसे पास में लेते हैं वैसे गृहस्थी करें। भगवान के स्मरण में गृहस्थी सुखदायक करना ही परमार्थ है, और जिसकी वृत्ति में सुधार होकर वो भगवान में लीन हो गई तो उसे परमार्थ समझ गया। भगवान के प्रति अकारण प्रेम करना ही परमार्थ है। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।